गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू डिवीन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आज अपने को पढ़ना है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है कि कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की रक्षा की जाती है, उसकी सुरक्षा की जाती है, ऐसे एरिया को अपन क्या बोलते हैं बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है, चिल्ड्रन अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। कि बच्चे और प्रोफेसर अहमद माधव जी के साथ बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में जाते हैं, जो कहाँ बना हुआ है, पंचमणि। पंचमणि वहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ पे ये जाते हैं। माधव जी उनको एक्सप्लेन करते हैं। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो बायोडाइवर्सिटी को की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बायोस्फीयर रिजर्व कुछ एरिया बनाते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा, उसका कंजर्वेशन के लिए कुछ एरियाज होते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। एज यू आर अवेयर द बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको पता है कि किसी एक ही इलाके में अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स एनिमल्स या ट्राइब्स ह्यूमंस पाए जाते हैं, उन्हीं को अपन बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा के लिए कुछ एरियाज फिक्स किए जाते हैं, कुछ एरिया बनाए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं बायो रिजर्व्स। क्या बोलते हैं, बायो रिजर्व्स। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प द मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ द एरिया। तो बायो रिजर्व क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, उनके कल्चर को मेंटेन करता है। ए बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट। जो बायो रिजर्व है वो प्रोटेक्टेड एरिया को भी अपने अंदर समाहित रखता है। द पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ द नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पंचमणि। होना क्या होता है कि फ्लोरा वो एरिया होते हैं, ये लिखा हुआ है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने किसी एरिया में मिलते हैं, तो वो उस एरिया के क्या हैं, फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा एंड फोना के बारे में लिखा हुआ है, एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिसिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। तो बायोस्फीयर रिजर्व में चिल्ड्रन ने अलग अलग पेड़ देखे, वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको देखा, तो उन्होंने उनका एप्रिसिएट किया, ग्रीन वेल्थ का एप्रिसिएट किया, वहाँ के फॉरेस्ट पेड़ पौधों का उनकी प्रशंसा की। दे वर वेरी हैप्पी टू सी टॉक टू टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। उनको ये खुशी हुई कि उनके बारे में जानकर, टीक ट्रीज के बारे में, एनिमल्स के बारे में, सडनली पहली फाइंड ए रेबिट एंड वॉन्ट्स टू द कैच इट। अचानक से पहली को एक रैबिट दिखा और वह उसको पकड़ना चाहती थी। सी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट और वह उसके पीछे दौड़ती है। प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर, प्रोफेसर अहमद उसको रोकते हैं, पहली को रोकते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन दियर ओन हैबिटेट। कि एनिमल्स अपने वातावरण में कंफर्टेबल रहते हैं और खुश रहते हैं, अपने को उनका ये वातावरण, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग ए पर्टिकुलर एरिया। कुछ एनिमल्स और प्लांट किसी एरिया से बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, और उन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स को वहाँ के फ्लोरा और फोना कहा जाता है। वहाँ के क्या कहा जाता है, फ्लोरा एंड फोना।